Morning dear children, today we start lesson 3 of English literature, that is Siddharth Saves the Swan. Long ago, near the great Himalayan mountains, there lived a king called Suddhodan and his wife Queen Maya. They were just and kind rulers. Just and kind means Nyayashil or Dayalu. One day the queen gave birth to their first child, a baby boy. They called the baby Siddharth, that means they gave the baby name Siddharth. The king and queen wanted their family and friends to see their new baby. Whenever a new child is born in the family, we have a baby shower party. We call our friends and relatives to come and see the baby. Same way they called. Thus at their invitation, people came from far and wide. Dur daraz se log baby ko dekhne ke liye aaye. Among the visitors was a wise old man who came to see the prince from his home in the mountains. Inme se ek विजिटर्स थे एक ओल्ड मैन हु वॉज वेरी वाइज. वाइज मीन्स विद्वान. ही हैड कम फ्रॉम हिज होम इन द माउंटेन्स. वो दूर पहाड़ियों पे से आए थे. टेल मी, सेड किंग सुद्धोधन, व्हाट फ्यूचर डू यू सी फॉर माय सन. किंग सुद्धोधन वांटेड टू नो अबाउट हिज सन्स फ्यूचर फ्रॉम द वाइज ओल्ड मैन who had come from the mountains. Well, your majesty, replied the old man, your son could become a great king one day. I knew it, exclaimed the king excitedly. He will rule the kingdom after me. The old man said ki ye bhi ek din bade hokar aap hi ki tarah raja banega. The king was very happy, excitedly means बहुत ही खुशी के साथ king ने बोला कि ये मैं जानता था एक दिन बड़ा होकर ये मेरे kingdom को मेरे बाद rule करेगा. On the other hand, continued the old man, he might also choose to leave the palace and lead a simple life, devoting himself to helping others instead. ओल्ड मैन ने आगे कहा कि ये एक सिंपल लाइफ भी चूज़ कर सकता है जिसमें कि वो ये पैलेस, ये राजमहल छोड़कर चला जाएगा और अपनी लाइफ को दूसरों की हेल्प करने में लगा देगा. ही विल डू नो सच थिंग, रिटॉर्डेड द किंग. किंग ने तुरंत विरोध किया इस बात का. नो, ऐसा वो कुछ नहीं करेगा. ही इज़ गोइंग टू बी अ किंग लाइक मी. वो मेरी ही तरह एक राजा बनेगा. The young prince grew up surrounded by luxury. Luxury means सारी सुख सुविधाओं के साथ वो prince बड़ा हुआ. One day when prince was 7 years old, his father sent for him. Siddharth, he said, when you grow up, you will be a king and rule our kingdom. It is now time for you to begin your training. जब प्रिंस 7 years का हो गया तो किंग ने कहा कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम आ गया है. बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू बिकम अ किंग, सो यू नीड सम ट्रेनिंग. सिद्धार्थ बिगैन हिज ट्रेनिंग. ही वॉज टॉट हाउ टू राइड अ हॉर्स, हाउ टू शूट एन एरो. एरो मीन्स तीर. हाउ टू रेसल एंड यूज अ स्वॉर्ड. All the skills that a warrior king would need. एक अच्छे राजा को जो जो चीज़ें आनी चाहिए उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई सिद्धार्थ की. सिद्धार्थ लर्नड हिज लेसन्स वेल. सिद्धार्थ भी अच्छी तरह अपने लेसन सीखने लगा. As did his cousin देवदत्त. उसी के साथ साथ उसका एक कज़िन था देवदत्त, वो भी सीखने लगा. The two boys were about the same age and the king thought that they would be good company for each other. K
किंग को लगा कि दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बनकर साथ में सब कुछ सीखेंगे। एवरी डे व्हेन हिज लेसन्स वर ओवर प्रिंस सिद्धार्थ वुड गो एंड प्ले इन द पैलेस ग्राउंड्स वेयर मेनी एनिमल्स वर टू बी फाउंड। अ पेयर ऑफ ब्यूटिफुल वाइट स्वान्स नेस्टेड इन द पैलेस लेक एवरी ईयर। ही लाइक टू सिट एंड वॉच देम। लेसन्स ओवर होने के बाद सिद्धार्थ यूज टू गो टू द पैलेस ग्राउंड एंड प्ले देयर अमंग द वेरियस एनिमल्स दैट वर देयर। एंड देयर वॉज अ पेयर ऑफ ब्यूटिफुल वाइट स्वान्स जो वहाँ हर ईयर नेस्ट बनाते थे। सिद्धार्थ यूज टू सिट एंड वॉच देम। वन इवनिंग सिद्धार्थ सॉ थ्री ब्यूटिफुल वाइल्ड स्वान्स फ्लाइंग ओवर हेड। सडनली एज ही वॉच्ड वन ऑफ द स्वान्स फेल टू द ग्राउंड। अचानक जब वो देख रहा था स्वान्स को, एक स्वान नीचे आ गिरा। ओ नो, क्राइड सिद्धार्थ, व्हाट कैन हैव हैपेंड। सिद्धार्थ को लगा कि ये क्या हुआ। सिद्धार्थ वॉक्ड वेरी क्वाइटली टू वेयर द स्वान ले एंड बिगैन टू स्ट्रोक इट जेंटली। एन एरो वॉज स्टिकिंग आउट ऑफ इट्स विंग। सिद्धार्थ धीरे धीरे उस स्वान के पास गया जो उड़ते उड़ते अचानक गिर चुका था, और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। स्ट्रोक इट जेंटली मीन सहलाना। एंड वॉट डिड ही सी। ही सॉ दैट एन एरो वॉज स्टिकिंग आउट ऑफ इट्स विंग। एरो मीन्स तीर, आई टोल्ड यू। इट वॉज स्टिकिंग आउट ऑफ इट्स विंग। नाउ आई अंडरस्टैंड, सेड सिद्धार्थ सॉफ्टली, समवन हैज शॉट यू। सिद्धार्थ ने कहा, अब मेरे समझ आया कि वो स्वान क्यों गिर गया। किसी ने उसे शूट किया है एरो से। वेरी जेंटली ही रिमूव्ड द एरो। ही टुक ऑफ हिज वेस्ट एंड रैप्ड इट अराउंड द स्वान। उसने अपने ड्रेस में से एक पार्ट निकाला, वेस्ट कपड़ा एक, एंड उसे जहाँ स्वान को चोट लगी थी उसके चारों तरफ रैप कर दिया। रैप्ड मीन्स लपेटना। आई विल लुक आफ्टर यू अंटिल योर विंग इज बेटर, ही सेड। उसने स्वान से कहा कि जब तक तुम्हारा विंग मीन्स पंख ठीक नहीं हो जाता, आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। जस्ट देन ही हर्ड अ वॉइस। तभी उसे एक आवाज़ आई, वेयर इज इट। आई नो इट मस्ट बी हियर समवेयर, आई सॉ इट फॉल। इट वॉज देवदत्त। किसकी आवाज़ थी ये? देवदत्त की। एंड हु वॉज देवदत्त? ही वॉज प्रिंस सिद्धार्थ कजिन। इट वॉज देवदत्त, प्रिंस सिद्धार्थ कजिन, हु केम रनिंग अप कैरिंग हिज बो एंड एरो। टूडे वी विल स्टडी अप टिल पेज नंबर 18। टुमारो वी विल ट्राई टू कम्प्लीट दिस स्टोरी पेज नंबर 19, 20 एंड 21। सो यू रीड वॉट इज टॉट टूडे एंड ऑल्सो रीड वॉट वी विल स्टडी टुमारो। Be prepared. Thank you, children.